नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के विलय, विलायक और विलयन पर। जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें से सुपर मोस्ट 20 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर। सेकेंड क्वेश्चन, बेंजीन एवं टालुइन के मिश्रण से बना विलयन है। कैसा विलयन होता है? बेंजीन और टालुइन के मिश्रण से बना हुआ आदर्श विलयन। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, राउल के नियमानुसार किसी अवाष्पशील पदार्थ के विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन निम्न के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय की मोल भिन्न के। द्रव का वाष्प दाब तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने से के साथ क्या करता है? बढ़ता है द्रव का वाष्प दाब। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। समपरासरी विलयनों की समान होती है क्या? समान होती है मोलर सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर ताप पर किसी विलायक की इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इससे कौन सा नियम बोलते हैं? हेनरी का नियम। धुआं, देखो धुआं, धुआं किसका विलयन होता है? गैस में ठोस का विलयन होता है। हवा गैस हो गई, उसमें थोड़ी बहुत धूलिकण होते हैं, तो गैस में ठोस का विलयन होता है धुआं। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या होता है? ज्यादा उसमें क्या होता है? जल, उसमें गैस होती है, तो जल में गैस का विलयन है सोडा वाटर। राउल के नियम के आदर्श दशा में अनुपालना करता है कौन? करता है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन राउल के नियम की अनुपालना करता है। फिर देखो, वह ताप जिस पर किसी द्रव या वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, कौन सा दाब ताप कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है। वह विलयन जिसमें और अधिक विलयन नहीं मिलाया जा सकता उसको कौन सा विलयन बोलते हैं? संतृप्त विलयन। किसी वाष्पशील विलेय का अनुभार ज्ञात किया जाता है राउल के नियम अनुसार। एक मोलल विलयन वह होता है जिसमें एक मोल विलेय किसमें घुला होता है? 1000 विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में होता है। कौन सी विधि ताप पर निर्भर नहीं करती? तो देखो, मोलर तार, नॉर्मल तार होते हैं, उनमें से मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। एक विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने से इसके वाष्प दाब में अवनमन किसके समानुपाती होता है? विलेय के सामर्थ्य के समानुपाती होता है। अंडे की कठोर सेल को एसिटिक अम्ल में घोला जाता है तथा बाद में अंडे को NaCl के संतृप्त विलयन में रखा जाता है, तो क्या होता है? अंडा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। अंडा क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्मों में से प्रोटीन और बहुलकों के अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? परासरण दाब। समुद्र में पानी से स्वच्छ जल प्राप्त किया जाता है किस विधि से? देखो, मोस्ट क्वेश्चन है, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र में पानी से स्वच्छ जल प्राप्त किया जाता है किस विधि से? विपरीत परासरण विधि से। कौन से समुद्र में जो पानी होता है ना, उसे स्वच्छ जल कैसे प्राप्त किया जाता है? विपरीत परासरण से। कौन से विलयन का क्वथनांक अधिकतम है? तो किसका होता है? 0.1 मोल BaCl2, बेरियम क्लोराइड। कौन से विलयन का हिमांक उच्चतम है? तो ऑप्शन थे उनमें से, देखो 0.1 मोल शर्करा का हिमांक उच्चतम है। तो देखो, ये था विलय, विलायक और विलयन पर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।